सबसे पहले शर्ट का खर्चा करने के लिए हमको ये आस्तीन है जो इसको अच्छी तरह से इसे बिछा लेना है, और बिछा लेने के बाद में प्रेस से बिल्कुल सीधी कर लेनी है, और सीधी कर लेने के बाद में इसको साइड में रख देनी है। और अब हम शर्ट के सामने की पट्टी चिपकाएंगे। दोस्तों ये उल्टी साइड है और हम प्रेस से बिल्कुल सीधी कर लेंगे। सीधी करने के बाद में हमको ये पट्टी रोल आता है जो शर्ट के चिपकाने के काम आता है, जो बड़ों के लिए 1.5 इंची का आता है और छोटों के लिए 1.25 इंच का आता है, और उसके बराबर का नाप के और इस पट्टी को सीधी रख के निशान लगा ले। निशान लगाने के बाद में अच्छी तरह से ऐसे इसको यहाँ से आगे निशान लगाए थे वहाँ से इसको पट्टी को चिपका लेना है। दोस्तों अच्छी तरह से चिपकाना है इसको। अच्छी तरह से चिपकाने के बाद में इसको बिल्कुल ऐसे इसको मोड़ लेना है, और प्रेस से इसको मोड़ते हुए आगे बढ़ते रहना है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहना है और प्रेस से चिपका लेना, इसको मोड़ लेना है। और मोड़ लेने के बाद में इसको यहाँ से एक बार और यहाँ से मोड़ना है, ऐसे इसको अच्छी तरह से एक बार और इसको मोड़ना है और पानी लगा लेना है। अच्छे तरह से पानी लगा के इसको दबा लेना है ऐसे, और इसको यहाँ से लगभग जेब लगाने के लिए ऊपर से हमको लगभग 9 इंची पर निशान लगाना होगा, और आगे से हमको 2.25 पर निशान लगाना होगा, 2.25 पर निशान लगाना होगा। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और उसके बाद में हम ये बटन पट्टी टेप बनाएंगे। पट्टी टेप बनाने के लिए हमको ऐसे इसको मोड़ लेना है अच्छी तरह से, ऐसे प्रेस मार लेना है और इसको प्रेस मार के और अंदर की साइड में 2 इंची मोड़ा था वहाँ से इसको 1 इंची ऐसे कर लेना है, और प्रेस से अच्छी तरह से 1 इंची बैठा लेना है और प्रेस से चिपका लेना है। पानी लगा के यहाँ से अच्छी तरह से चिपका लेना है। अच्छी तरह से प्रेस करके इसको भी साइड में रख देना है। और अब हम ये बैक पल्ला है जो हम इसको अच्छी तरह से प्रेस करके रख देंगे। दोस्तों जो भी कपड़ा होता है उसको हम प्रेस करके ही बनाते हैं। ये हमारा बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है। इस कपड़े में हम ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है, तो इसको उल्टी साइड कर लेना है
और अब इसमें हम प्रेस से सीधा करेंगे और प्रेस से सीधा करने के बाद में हमको कप होल्डर चिपकानी है यहाँ पर। तो ये कप हैं, तो यहाँ इसको यहाँ देख लेना है रख के, और यहाँ से इसको ऐसे चिपका लेना है अच्छी तरह से प्रेस से चिपका लेना है दोस्तों इसको। चिपकाने के बाद में इसको यहाँ से काट लेना है, अच्छी तरह से चिपकाना है दोस्तों इसको। अच्छी तरह से चिपकाने के बाद में कैंची से लगभग 200 ऊपर से काटना है। काटने के बाद में हम इसको एक बार दोबारा प्रेस करेंगे, अच्छी तरह से चिपकाना है दोस्तों। ये यहाँ से उखड़ना नहीं चाहिए, और इसको हम ऐसे मोड़ लेते हैं, जो किनार साइड होती है हम उसको ऐसे मोड़ लेते हैं, और पीछे से भी हम ऐसे प्रेस मार लेते हैं। अब हम दूसरा कप चेपेंगे यहाँ पर। दूसरा कप के लिए हमको ये कप हैं, तो इसमें थोड़े सी सीधा करना है, इसमें थोड़ा सा कान है, तो हमने ये सीधा कर लिया है, और सीधा करने के बाद में हमें यहाँ से चिपका लेना है, प्रेस से अच्छी तरह से चिपका लेना है, अच्छी तरह से इसको प्रेस से चिपका के, और यहाँ से लगभग 200 ऊपर से काट लेना है, और फिर हमको प्रेस से यहाँ से मार के अच्छी तरह से चिपका के, और यहाँ से मोड़ लेना है। और मोड़ लेने के बाद में हमको फिर प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद में ये बचा हुआ कपड़ा है, तो अब हम इसमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को काट देते हैं, और अब हम इसको उल्टी साइड बिछा लेते हैं, और चौक से निशान लगा के ये कॉलर यहाँ से चिपका लेनी है, ऐसे ये कॉलर इसको चिपका लेनी है ऐसे करके, और प्रेस से अच्छी तरह से इसको चिपका लेनी है दोस्तों। बिल्कुल अच्छी तरह से ये चिपकनी चाहिए, और प्रेस भी गर्म रहनी चाहिए। प्रेस गर्म नहीं रहेगी तो ये पेस्टिंग नहीं चिपकेगी। तो दोस्तों प्रेस को अच्छी तरह से चिपका के गर्म करके रखें, और इस एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से काट दें। ये नीचे की साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको हमको हटाना होगा, और हटाने के बाद में हम यहाँ पर ये कोने में टुकड़ी लगानी होगी। ये छोटे छोटे टुकड़े काटने पड़ते हैं ताकि लगाने पड़ते हैं ताकि कॉलर मुड़े नहीं, सीधी रहे। अच्छी तरह से चिपका ले इसको। अच्छी तरह से चिपकाने के बाद में हमको अब हम ये हमारी तीरा है, ये हम डबल तीरे लगाएंगे इसके, तो
तो हम इसके ऊपर प्रेस कर लेते हैं। अच्छे से प्रेस करके दोनों तरफ से प्रेस कर लेंगे। और अब हम इसमें बचे हुए कपड़े में हमको प्रेस मार लेना है। प्रेस मारने के बाद हम यहाँ पर बैन पट्टी चिपकाएंगे, तो बैन पट्टी को यहाँ रख लेना है, लगभग नीचे आधा इंच ही रहना चाहिए, आधा इंच ही यहाँ रहना चाहिए और अच्छी तरह से चिपका लेनी चाहिए। और ये नीचे ऐसे एक इंच से थोड़ा सा कम ये पेस्टिंग का टुकड़ा है, यहाँ चिपका लेना चाहिए, क्योंकि चिपकाने से क्या होगी कि कॉलर यहाँ से ऐसे सुखड़ी सी नहीं लगेगी और फिनिशिंग अच्छी आएगी। और अब हम इसको यहाँ से लगभग 2 सूत ऊपर से काट लेते हैं और काटने के बाद में हमको यहाँ से पानी लगा के और मोड़ लेना है। धीरे धीरे प्रेस की सहायता से हमको ऐसे मोड़ लेना है। और इसको दूसरी साइड से भी प्रेस कर लेना है। और अब हम इसमें जेब बनाएंगे, जो हम नाप के रखी थी वहाँ से हम ये निशान मिलाएंगे। और तो निशान मिलाने के बाद में हम यहाँ पर 1 इंची की फोल्डिंग करेंगे। 1 इंची की फोल्डिंग करने के बाद में हम अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। और अब हम पैटर्न की सहायता से हम यहाँ पर जेब मोड़ लेंगे और अच्छी तरह से प्रेस को बिठा के और यहाँ से मोड़ लेंगे। तीनों साइडों में अच्छी तरह से ऐसे मोड़ लेंगे और ऐसे प्रेस की सहायता से हमको मोड़ना होगा। मोड़ने दोनों साइडों से मोड़ने के बाद हम ये तीसरी साइड मोड़ते हैं ऐसे। इसको अच्छी तरह से प्रेस से बैठा लेना है अच्छे तरह से प्रेस को बिठा के और ऐसे ये जेब बना लेनी है। अब जेब बनाने के बाद में हम बचे हुए कपड़े में ये बचा हुआ कपड़ा है दोस्तों, तो हम इसमें चौक पट्टी बनाएंगे जो आस्तीन में लगती है। और हम इसको लगभग 1 इंची की फोल्डिंग करेंगे। 1 इंची की फोल्डिंग करने के बाद में हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और यहाँ से हम कैंची से काट लेंगे और यहाँ से भी हम कैंची से काट लेंगे। और लगभग ये 7 इंची की पट्टी होनी चाहिए, 7 इंची की पट्टी है ये, चौक पट्टी बोलते हैं इसको। और दूसरी चौक पट्टी हम यहाँ से निकाल लेंगे, वो भी 1 इंची की और 7 इंची लंबाई की प्रेस से ऐसे चिपका लेंगे। और हम कैंची से यहाँ 2 सूत छोड़ के यहाँ से काट लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े लगभग 2 इंच 2 सूत रहना चाहिए, एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देते हैं।